पर्यटनाच्या दृष्टीने पुणे आगामी काळात अधिक वेगाने विकसित करण्यात येईल। विविध राज्यांनी 8000 कोटींचे पर्यटन प्रकल्प माहिती प्रस्ताव दिले आहेत, त्याबाबत विचार होऊन त्यावर लवकरच एकत्रित निर्णय घेण्यात येईल असं मत केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं आहे। यावेळी भाजप प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, संजय मयेकर, पश्चिम महाराष्ट्र माध्यम प्रमुख अमोल कवीटकर, उमेश चौधरी, पुष्कळ तुळजापूरकर, हेमंत लेले, प्रशांत कोतवाल आदी उपस्थित होते। शेखावत म्हणाले, 2014 लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्यावर देशातील जनतेने विश्वास टाकत बहुमत दिले। देशातील राजकीय नरेटिव्ह बदलला गेला आणि महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले। 2019 देखील जनतेने मोदी सरकारला साथ दिली आणि सरकारने वेगवेगळ्या योजना राबवत विकास तळागाळापर्यंत पोहोचवला। जनतेने महाराष्ट्रामध्ये युतीला स्पष्ट बहुमत दिले, पण राजकीय घडामोडी होऊन राज्याच्या विकासाला ब्रेक लागला। आघाडी सरकारने युतीच्या विविध कामे स्थगिती करणे, अडथळे निर्माण करण्याचे काम केले, त्यामुळे विकास मंदावला आणि भ्रष्टाचार वाढला। आघाडी सरकारने लोकशाहीविरोधी काम केले आणि 12 भाजप आमदार निलंबित केले। सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सदर निर्णयास रद्द केले। कोविड काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घरात बसून राहिले आणि अनेक जण मयत झाले। या काळात कोविड कामात देखील मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप यावेळी शेखावत यांनी केला। भारत सरकारने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी राज्यों के लिए बजट में लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल स्कीम का आगाज किया था, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट स्टेट्स को सैंक्शन किए जाएंगे। हमने अभी हाल ही में सभी राज्यों से उसमें अपने प्रपोजल सबमिट करने के लिए कहा था। 8,000 करोड़ रुपए वर्थ के प्रोजेक्ट इस सब में सब राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपनी आवश्यकताओं के, पर्यटन की आवश्यकताओं के मद्देनज़र सबमिट किए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को अभी विचार चल रहा है, उसमें महाराष्ट्र के जिन विषयों को आपने उल्लेख किया उन सब के प्रोजेक्ट्स उसमें हैं। और उसके साथ साथ में स्वदेश दर्शन की पहली परियोजना के समय में भी और प्रसाद योजना के पहले चरण में इन सब विषयों पर हमने काम किया था। हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वो और अधिक प्रस्ताव इसमें बना करके भेजें। हम इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट और उसके साथ साथ में पर्यटक की ओवरऑल एक्सपीरियंस अपलिफ्ट कैसे हो सके, इस दृष्टिकोण से सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इसके आधार पर जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने ये तय किया है कि एक बार फिर वो विकास के एजेंडे के साथ में खड़े होकर के महाराष्ट्र जिस गति से विकास कर रहा है उस गति को और अधिक गति प्रदान करने के लिए, इस प्रगति को और अधिक तेजी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में महायुति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बने। जनता ने इस बात का मानस बनाया है। मुझे आप सबके शुभकामनाओं के चलते हुए पिछले 5 साल तक पानी के क्षेत्र में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पहले चरण में, पहले सरकार में कृषि मंत्रालय में काम करने का अवसर दिया। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उस समय कृषि के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी योजनाओं का प्रारंभ हुआ। आज किसानों को MSP पर खरीद में लागत का 1.5 गुना मूल्य मिले, इसे सुनिश्चित किया गया था। ईनाम प्लेटफॉर्म लागू करके देश को एक बाजार बनाने की कोशिश की गई थी। फसल बीमा योजना लागू हुई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हुई लागू हुई, अनेक योजनाओं का सूत्रपात किया गया। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल तक मुझे जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके पीने का पानी और सिंचाई का पानी का प्रबंध करने का जिम्मेदारी दी थी। महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स हमने केवल सिंचाई के लिए सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी के अनुरोध पर यहाँ स्वीकृत किए, उनको लागू किए, उन पर काम प्रारंभ किया। और उसके अतिरिक्त हर घर तक पीने का पानी पहुँचे संकल्प के साथ में देश में जिस तरह से काम हुआ, और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि जब हमने काम प्रारंभ किया था तब केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुँचता था, आज देश के 78% घरों तक पीने का पानी पहुँचता है। और देश के 13 से ज़्यादा प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पीने का पानी नल के माध्यम से न पहुँचता हो। ये कामयाबी हमने प्राप्त की।